हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं माउनो की तरफ से AU-A03 कंडेंसर माइक। दोस्तों, ये माइक मैंने अमेजोन से 1499 रुपये में परचेस किया है। तो दोस्तों, आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको दिखाएंगे इसका जो वॉइस परफॉर्मेंस है वो कैसा है, किस तरह की वॉइस ये रिकॉर्ड करता है, साथ ही हम इसका इंस्टॉलेशन भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े डब्बे के अंदर आता है और काफ़ी इम्प्रेसिव इसका डब्बा है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो डब्बे के ऊपर इसके जो प्राइस मेंशन है वो है 4999 रुपये। अब हम इसको अनबॉक्सिंग करना शुरू करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के लिए हमने इसको खोल लेना है और इस तरह से डब्बा खुल जाएगा। डब्बा खुलने के बाद हमें इस तरह से इसके अंदर आइटम दिखाई देते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमें पॉप फिल्टर दिख रहा है, ये एंटी विंड फोम है और ये एक फोम के अंदर फिट है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसके बाकी जो सामान है डब्बे में इस तरह दिखाई देते हैं। अब हम एक एक करके सारे सामान आपको निकाल कर दिखा देंगे। सबसे पहले ये एंटी विंड फोम है जिसको माइक्रोफोन के ऊपर लगाया जाता है और यह है पॉप फिल्टर जिसके माध्यम से हमारी जो आवाज रिकॉर्ड होती है वो काफी क्लियर आवाज इसके माध्यम से रिकॉर्ड होती है। साथ ही ये है शॉक माउंट, यह है इसका यूजर मैनुअल और यह है माइक्रोफोन स्टैंड। साथ ही आपको ये वॉइस प्लेटर केबल मिल जाती है और यह है माइक्रोफोन केबल। और यह है टेबल क्लैंप। साथ ही जो हमारा मेन चीज है यह है हमारा माइक्रोफोन। इसके ऊपर आप देख सकते हैं क्लियरली माउनो की ब्रांडिंग दिख जाती है। बाकी इस तरह की जेली देखने को मिलती है जो कि इसको खराब होने से बचाती है। बाकी पूरा का पूरा बॉक्स अब खाली हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको किस तरह इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए ये जो टेबल क्लैंप है, इस टेबल क्लैंप को आपको सबसे पहले ढीला कर लेना है और टेबल में ये इस तरह लग जाएगा। जिस तरह मेरी उंगली जा रही है इस तरह इसको हम टेबल पे लगा देंगे और फिर इसको हम टाइट कर देंगे। जिस तरह हम लूज करें इस तरह इसको टाइट कर देंगे। ये हम इसको लगा लेते हैं टेबल के साइड में, हमने इसको लगा लिया। अब हम इसको टाइट कर लेंगे। अब हम माइक्रोफोन स्टैंड को इस टेबल क्लैंप के साथ लगा लेंगे। ये इसके ऊपर एक छेद है, उसके ऊपर हमें रख देना है और ये जो स्क्रू है स्क्रू को ढीला करके फिर जब ये इसके अंदर घुस जाएगा इसको टाइट कर देना है। अब ये लग चुका है। अब हम ये जो पिन है इस पिन के ऊपर ये जो शॉक माउंट है शॉक माउंट को लगा देंगे। यहाँ पर थ्रेड दी गई है और इसका जो फॉरवर्ड एरिया इसमें भी थ्रेड है, इसको हम इस पर लग रख के इसको आपस में टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा थ्रीचा सेट हुआ है तो इसको आपको घुमा देना है। ये पूरा का पूरा पिन घूम जाता है। ये देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ और ये पूरा का पूरा जो पिन है वो घूम गया है। इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसके हिसाब से आप इसको टाइट कर सकते हैं। फिर ये इस तरह मूव नहीं होगा। मैं इसको सेट करके टाइट कर देता हूँ। ये भैया मैंने अब अपना सेट कर लिया है और इसको भी हम अब टाइट कर देंगे। ये सब टाइट होने के बाद अब हमने अपना माइक्रोफोन लगाना है। माइक्रोफोन हमें इस तरह लगाना है, ये जो माउनो लिखा है ना ये हमारे फोटो की तरफ होना चाहिए। जैसे हम इस तरह बात करेंगे, इस तरह रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा जो मुंह है वो माउनो की तरफ होना चाहिए, ताकि जो हमारा मुंह है माउनो की तरफ रहे, क्योंकि यहीं पे माइक्रोफोन दिया गया है। अब हम इसको लगा लेते हैं। जब इसको आप लगाएंगे तो ऐसे ये लगेगा नहीं, तो आपको इसके ऊपर दो प्लग दिखाई देंगे। इस तरह के दो प्लग होंगे। इन प्लग को आपको दबाना है, इसका मुंह खुल जाएगा, फिर आपको इसके अंदर इसको माइक्रोफोन को डाल देना है। ये मैंने माइक्रोफोन इसके अंदर डाल दिया है। अब हम एंटी विंड फोम इसके ऊपर लगा देंगे।
तो भैया अब हमारा ये जो माइक्रोफोन है वो काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। अब हम पॉप फिल्टर को लगा देंगे। पॉप फिल्टर को लगाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का एक स्क्रू दिया गया है, इसको हमें इसके ऊपर इस तरह रखना है, ऊपर वाले पॉइंट पर रखना है। पहले इसको ढीला कर लेना थोड़ा सा, और फिर हमने इसको टाइट कर देना है। जितना भी दूर के हिसाब से हम लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। देखिए टाइट हो गया, ये बिल्कुल टाइट हो गया। अब इसको आपको इसके ऊपर रख देना है। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये पूरी तरह से हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेट है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये बिल्कुल सेट है। अब जहाँ पे भी हम इसको मूव करेंगे वहाँ पे हो जाएगा, ऊपर करेंगे ऊपर, नीचे करेंगे नीचे, जैसा आप इसको चाहेंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं आप इसको कर सकते हैं, ये पूरी तरह से रोटेट होता है। तो अब हमारा ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर माइक्रोफोन फिट करेंगे। माइक्रोफोन फिट करने के लिए हमने इसको खोल लिया है, ये काफ़ी लंबा केबल है। अब हम नीचे इसके पिन दी गई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की पिन है। नीचे इस तरह की पिन दी गई हैं, इन पिन में अब हम इस लिड को लगा देंगे। ये लग गई है, और अब हम इसको अपने DSLR कैमरे में लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से इससे साउंड रिकॉर्ड होती है। तो मैं इसको अपने DSLR कैमरे में लगा देता हूँ। हेलो दोस्तों, इस समय आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये माउनो के AU-A03 की आवाज़ है, और जैसे मैंने इसके रिव्यू पढ़े हैं, रिव्यू तो इसके काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब हम इसके जो साउंड है जो हम खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम सुनेंगे। उस आवाज़ को सुनने से पहले हम अपना एक छोटा सा गाना रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि इसकी जो आवाज़ की क्वालिटी है, रिकॉर्डिंग क्वालिटी है, वो किस लेवल की है। तो अब मैं गाना गा लेता हूँ। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठे हैं प्यार की कसमें। अब दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके की आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, और उसके बाद हम इसका आपको फाइनल रिव्यू देंगे कि हमें ये माउनो का AU-A03 माइक कैसा लगा। मुझे तो पर्सनली इसकी साउंड काफ़ी अच्छी लगी, और मैंने इसकी साउंड रिकॉर्ड करने से पहले किसी भी तरह के साउंड कार्ड का प्रयोग नहीं किया है। मैं डायरेक्टली इसको अपने DSLR कैमरे के साथ यूज़ कर पा रहा हूँ। साथ ही मैंने कुछ रिव्यू पढ़ी जिनमें बताया गया है कि भैया साउंड कार्ड के बिना ये परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं करता है, लेकिन मैंने इसका पूरा का पूरा यूज़र मैनुअल पढ़ा है, उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि भैया आपको साउंड कार्ड यूज़ करना है। तो ये सारी की सारी र्यूमर्स हैं। आप डायरेक्ट इसको अपने कैमरे के साथ, अपने लैपटॉप के साथ और अपने मोबाइल के साथ यूज़ कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल में DSLR का जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें बताया गया है कि आप डायरेक्टली अपने मोबाइल के साथ और अपने लैपटॉप के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे किसी भी साउंड कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। केवल आप अपने माउनो के AU-A03 माइक को मंगाइए, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और आप बिना किसी डाउट के इस माइक के साथ जा सकते हैं।